धाराई में ये तीसरी बार वाकया हो रहा है। धाराई में तीसरी बार वाकया कुरान शरीफ की आयत है, कुरान शरीफ के तर्जुमे जो छोटे छोटे पटाखे जो दिवाली में बेचे जा रहे हैं, उसमें ये पटाखे देखो रोड पे जो फोड़े जा रहे बॉम्ब उसके अंदर मिल रहे हैं। इससे पहले भी दो बार हमने पुलिस की जब गणपति गई थी तभी भी हमने ये पटाखे इसी 90 फीट से जमा किए थे और आज भी ये पटाखे हमने इसी 90 फीट से जमा किए। मुंबई की धारावी पुलिस ने एक अज्ञात शख्स के खिलाफ ऐसा मामला दर्ज किया है जिसके पीछे की वजह जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। धारावी में सामाजिक काम करने वाले सलमान खान ने बताया है कि धारावी में कई धर्म के लोग रहते हैं और हर किसी के त्यौहार को बड़े ही आदर के साथ मनाते हैं। शिकायतकर्ता सलमान ने बताया कि दिवाली के समय में जब वो अपने दोस्तों के साथ हसीना होटल के पास चाय पीने गए थे, वो दिन दिवाली का था और कई लोग पटाखे फोड़ रहे थे। वहीं किसी अज्ञात व्यक्ति ने नजदीकी सड़क पर पड़े बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े और कुछ दिन पहले भी वहीं पर इस तरीके के पटाखे फोड़े गए थे। पटाखे का जो मलबा था उस मलबा में जो कागज थे उस पर कुरान के उद्धरण छपे हुए थे। उन्होंने बताया कि इस मामले के लेकर उन्होंने पुलिस स्टेशन में धारावी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। सलमान ने आगे बताया है कि इसके बाद उन्होंने इस बात की शिकायत नजदीकी धारावी पुलिस स्टेशन में की और उन्होंने बताया कि हमारी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बारे में धारावी के पुलिस अधिकारी ने बताया है कि उन्हें शिकायत मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि इस मामले में उन्होंने काफी गंभीरता से इस मामले को लिया है और अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया है और गंभीरता से आगे की जांच शुरू कर दी है। धारावी में ये तीसरी बार वाकया हो रहा है, धारावी में तीसरी बार वाकया कुरान शरीफ की आयत है, कुरान शरीफ के तर्जुमे जो छोटे छोटे पटाखे जो दिवाली में बेचे जा रहे हैं उसमें ये पटाखे देखो रोड पे जो फोड़े जा रहे बॉम्ब उसके अंदर मिल रहे हैं। इससे पहले भी दो बार हमने पुलिस की जब गणपति गई थी तभी भी हमने ये पटाखे इसी 90 फीट से जमा किए थे और आज भी ये पटाखे हमने इसी 90 फीट से जमा किए। उस दौरान भी हमने धारावी पुलिस के सिंगर साहब को बोला था कि ये जो पटाखे की दुकान है पूरी मुंबई में वायरलेस द्वारा आप पूरी मुंबई में इसको जागरूक करो, लेकिन साहब ने किया कि नहीं किया वो नहीं मालूम, लेकिन एक आश्वासन दिया था। उस टाइम FIR भी दाखिल हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से पुलिस नाकाम हो रही है, धारावी की पुलिस, मुंबई की पुलिस जो नाकाम हो रही है, इसके बाद आज भी पूरी तरीके से थैली के अंदर, पूरी थैली में जो हमारी कुरान शरीफ की आयतें मिली है इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। जो भी भलुआ ये बॉम्ब बेच रहा है उसको इसके ऊपर पूरी पूरी कार्रवाई करना चाहिए पुलिस ने और पूरी दुकान के अंदर जब्त करना चाहिए, क्योंकि इसी धारावी की सर जमीन पे ये वाकया तीसरी बार हो रहा है। हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको दो लाफा मारो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी कुरान शरीफ की आयत है, अगर इसी तरीके से आप अगर रोड पे पटाखे में उड़ा के अगर वो करोगे बेद भी तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सारे धारावी के मुसलमानों से कहता हूँ कि अगर राय बराबर भी तुम्हारे में ईमान जिंदा है तो धारावी चौकी का घेराव करो, क्योंकि इसकी बेद भी हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन कुरान शरीफ की बेद भी नहीं करेंगे, क्योंकि इधर में बार बार हो रहा है, इसके इधर भी हुआ, कुछ भिवंडी में भी हुआ, कुछ हैदराबाद में भी हुआ, वापस धारावी में भी हुआ। धारावी में पहले हो चुका था, वार्निंग दे दी गई थी, पूरी मुंबई की पुलिस को अलर्ट किया जाता, उसके बाद भी ये बॉम्ब कहाँ से आया, उसके बाद भी ये बॉम्ब कहाँ से आया, ये धारावी पुलिस और मुंबई पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारी कुरान शरीफ को रोड पे पटाखे के आड़ में बेद भी करा गया, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे लोग को कहता हूँ कि चलो धारावी चौकी पर सब बहुत हो गया।